गुड मॉर्निंग दोस्तों, रजिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रजिया आज लेकर के आई हूँ मानसून में आप अपने होठों का किस तरह से ख्याल रखें, यानी कि लिप केयर। कहा जाता है कि लिप्स हमारी फेस में खूबसूरती अदा करने में एक अहम रोल अदा करती हैं। आप मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है भी। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, हम अपनी त्वचा में बदलाव देखने लगते हैं, नज़र भी आने लगता है, ख़ास तौर से होठों पे। आप बरसात के मौसम में ज़रूर देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि हमारे जो लिप्स हैं वो थोड़े से ड्राई नज़र आते हैं, खुरदुरे नज़र आते हैं, और उसे टच भी कीजिएगा तो आपको चिकनाहट फील नहीं होता है। ऐसा आपके साथ होता होगा। आज का हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ज़रा कल्पना करके तो देखिए कि आप मेकअप किए हैं, पूरा सर से लेकर पैर तक आप सजे हुए हैं, धजे हुए हैं, मगर सच धज करके आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपने मेकअप बहुत ही अच्छा किया है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन एक कसर बाकी रह गई है। हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कसर बाकी रह गई है, और वो कसर आप अगर चाहे तो गेस कीजिए वो कौन सी कसर बाकी रह गई है। तो दोस्तों, हमारा वो कसर रह गया है लिप्स, हमारे लिप्स। अगर हम और आप अपने लिप्स की देखभाल नहीं करते हैं सही से, तो मेकअप करने के बाद क्या होता है, लिपस्टिक लगाने के बाद इस तरह से होठ फटे हुए लगते हैं, रूखे लगते हैं, बेजान लगते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसा लिप्स? नहीं दोस्तों, ऐसा लिप्स किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके जो लिप्स हैं वो बेजान दिखें, रूखे सूखे दिखें। और कोई भी लिपस्टिक जब हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें शाइनिंग आए, चिकनाहट आए, ये भी चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स ले करके आए हैं, जिसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन सारे टिप्स को फॉलो कर देंगे तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, क्यों ये जानते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे स्किन के लिए जिस तरह से पोषण ज़रूरी होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे लिप्स को भी पोषण मिले, उसकी देखभाल की जाए। अगर आप सिर्फ अपने स्किन की देखभाल कर रहे हैं और अपने लिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों यहाँ आपकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाएगी, या यूँ कहा जाए मेजर पॉइंट होता है। तो इसके लिए हमें करना ही क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके होठ फटे हुए होते हैं और रूखे सूखे होठ होते हैं, ड्राइनेस होठ होते हैं जिसके लिप्स। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके इन सारे सवालों के जवाब को लेकर के आया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बरसात में ही क्यों हमारे होठ पीले दिखने लगते हैं, तो इसका कारण ये है कि क्योंकि हवा में नमी होती है, इस कारण से हमारे लिप्स ड्राइनेस होते हैं। ड्राई क्यों होते हैं? क्योंकि आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए ड्राइनेस आ जाते हैं लिप्स पर। तो भाई, इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, इसका उपाय बहुत ही अच्छा है और सिंपल है। अगर आप उसे रेगुलर यूज करते हैं, हफ्ते में अगर 3 दिन भी यूज करते हैं, तो आपको ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आप कहिएगा कि भाई रजिया, वाह, तुमने क्या टिप्स बताए, हमने वो सारे टिप्स को फॉलो किए और हमारे लिप सॉफ्ट हो गए, चिकने हो गए और गुलाबी हो गए। तो आइए दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले बरसात के सीजन में ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हमारे स्किन की तरह ही हमारे होठों को भी पोषण की ज़रूरत तो होती ही है। बरसात और या आप मानसून कह भी सकते हैं, तो कई लोग क्या होता है ना कि इस मौसम में उनके जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो फटे हुए होते हैं, फट जाते हैं, सूखे ड्राइनेस ज़्यादा फील करते हैं। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा, सोने से पहले आप लिप्स बाम का यूज करिए। ये जो आप लिप्स बाम देख रहे हैं, ये ब्लू हेवन का लिप्स बाम है। आप चाहे तो इससे भी यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बेड पे जाएं तो पहले लिप्स बाम को लगा लें। जब आप अपने लिप्स पर लिप्स बाम का यूज करते हैं तो क्या होता है कि रात भर वो लिप्स बाम आपके लिप्स पे रहते हैं, जिससे आपके इस होठों को, लिप्स को वो नमी देते हैं और ड्राइनेस को दूर रखते हैं। इसकी वजह से आपके लिप्स ड्राई नहीं होते हैं, बल्कि आपके जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उन्हें समय भी मिल जाता है। रात में सोते वक्त अगर आप लगाते हैं प्रोडक्ट को तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, अब बात आती है स्क्रबर का। दोस्तों, हमेशा हम लोग फेस पर क्या करते हैं, स्क्रबर का यूज़ करते हैं, अपने स्किन पर यानी कि बॉडी पर, फेस पर स्क्रब लगाते हैं। अब आप भी जानते हैं कि हमें स्क्रब की ज़रूरत क्यों है। क्यों है दोस्तों? डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए। यही है ना आपका जवाब? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या दोस्तों, आपको ये नहीं लगता कि हमारे लिप्स को भी स्क्रबर की ज़रूरत है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। हमारे जो लिप्स होते हैं ना, वो और नाजुक होते हैं, तो इस पर जो डेड स्किन सेल होते हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो यही क्या होता है, आपके लिप्स को फटे फटे जैसे फील होने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है लिप्स स्क्रब का यूज करिए। तो इसके लिए आप घरेलू भी प्रोडक्ट से बना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट लगता है आपको शहद। शहद चाहे आप बाहर से लेकर के आएँ या आप घर में ही, अगर आपका शहद है, घर वाला शहद आप यूज कर रहे हैं तो भी आप इसका यूज करिए। आप शहद ले लिया एक चम्मच। अब आपको इसमें लेना है चीनी, आपको चीनी लेना है और शहद में मिक्स कर देना है। शहद और चीनी को मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके उसे अपने लिप्स पर अप्लाई कीजिए, यानी कि हमारे जो लिप्स हैं वो दोनों लिप्स पर आप उसे अपने फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के से रब कीजिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से आपको अपने लिप्स पर रब करना है और ऐसा आपको हफ्ते में दो दिन ज़रूर करना है, क्योंकि लिप्स हमारे जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ही जल्दी इस पर डेड स्किन सेल आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको हफ्ते में दो बार आपको ज़रूर यानी कि स्क्रबर का, लिप्स स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं, या जो बाज़ार में मिलते हैं लिप्स स्क्रबर उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा टिप्स है वो टिप्स है लिपस्टिक, लिप स्टिक। क्या होता है कि ज़्यादा लिपस्टिक अगर आप लगाते हैं तो आपके होंठ काले पड़ जाते हैं, इसीलिए जितनी कोशिश करिए कि आप लिप स्टिक का यूज कम करें, जिससे आपके होंठ सेफ रहेंगे और नेचुरल वे में रहेंगे। अब मैं ये भी कहूँगी कि लिपस्टिक जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को पसंद आता है और हर कोई चाहता है कि लिपस्टिक को यूज करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के लिपस्टिक का आप यूज करिए, यानी कि कोई भी ऐसा यानी लोकल आपको यूज नहीं करना है। आपको देखना है कि उसमें जो लिपस्टिक है वो इंग्रेडिएंट क्या है और ये इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से है कि नहीं। मेरा ड्राई स्किन है तो मुझे क्रीमी लिपस्टिक चाहिए,
अगर मेरा ऑयली है लिप्स है तो मुझे मैट लिपस्टिक चाहिए। अपने हिसाब से लिपस्टिक को चुनिए, और अगर आप इस तरह से सिलेक्शन करके लगाएंगे तो आपके लिप्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब लिप्स तो है भाई, लिप्स में अब क्या करिएगा, आप उसकी देखभाल करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रोज़ रात में लिप्स बाम का यूज करना है, हफ्ते में एक दिन या दो दिन। फिर यानी स्क्रबर, लिप्स स्क्रबर का यूज करना है। लिपस्टिक आपको ब्रांडेड लगाना है, यानी कि एक अच्छा लिपस्टिक लगाना है, या साफ साफ मैं ये कहूँ तो ऐसे लिपस्टिक का चूज़ कीजिए जो आपके लिए हो, आपके हिसाब से हो। ड्राई लिपस्टिक आपका, अगर लिप्स ड्राई है तो आप क्रीमी लिपस्टिक का यूज करेंगे, अगर आपका लिप ऑयली है तो आप मैट लिपस्टिक का यूज करेंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, और जब भी लिपस्टिक खरीदें तो इसका ख्याल ज़रूर रखें। अब आती है बारी कि आप अपने लिप्स पर आपको मसाज करना है। अब मसाज क्यों करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों, क्योंकि मसाज इसलिए कीजिएगा क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो हमारे लिप्स पे जो होठों पे धारी धारी नज़र आते हैं, या यूँ कहा जाए यानी लकीरें नज़र आती हैं, तो मसाज करने से ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपको अगर लिप्स बाम का यूज नहीं कर रही हैं तो उसकी जगह पर आप नारियल का तेल यूज करिए। रोज़ रात में सोने से पहले अपने लिप्स पर कोकोनट ऑयल से इस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, और जब भी आप नारियल तेल का यूज करती हैं तो आप देखिए कि वो एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं कहूँगी कि आप यूज करिए, मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हैं तो उतना फ़ायदा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो लिप पर शाइनिंग आती है। और हमारा लास्ट जो टिप्स है वो है पानी। आपको प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ, तो दोस्तों बरसात के मौसम में ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि प्यास कम लगती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें प्यास लगेगा तभी हम पिएंगे, आप थोड़ा थोड़ा पानी भी पी सकते हैं जब प्यास ना हो तब भी। इससे क्या होता है कि आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। जब आपका शरीर हाइड्रेट होगा तो आपके लिप्स ऑटोमेटिक हाइड्रेट होंगे। और यूँ भी कहा जाता है कि जब पानी हम पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है, आपके शरीर से कचरा भी निकलता रहता है, यानी कि टॉक्सिन भी निकल जाते हैं, और आपका पूरा शरीर हेल्दी होता है। जब आपका पूरा शरीर हेल्दी होगा तो आपका लिप्स भी हेल्दी होगा। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये सीखा कि हमारे लिप्स का बरसात के मौसम में कैसे केयर करें, यानी कि उसकी देखभाल कैसे करें। तो इसके लिए आपको टिप्स बताए गए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले रोज़ रात में लिप्स बाम का यूज करना है। अगर आप लिप्स बाम नहीं लगाना चाहती हैं तो प्रतिदिन यानी कि डेली आपको कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल से अपने लिप्स पर मसाज करनी है 1 मिनट तक सोने से पहले। और दूसरा, हफ्ते में 2 दिन या कम से कम 1 दिन तो ज़रूर लिप्स स्क्रबर का यूज करिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आई लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए फ़ायदा हो, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।